नमस्कार किसान भाइयों, आर की बीडस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह आरआईआर का मेल मेल है। दोपहर के समय वीडियो बना रहा हूं, आप देख सकते हैं कि जो बर्ड है वो फड़ के साथ ले रहा है, क्योंकि वर्तमान में अभी टेम्परेचर करीब 38 से 40 डिग्री, इसीलिए थोड़ा सा मुंह फाड़ के साथ ले रहा है। इसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। सुबह के समय जैसे ही फार्म पर आया तो मैंने देखा कि यह एक दूसरे को टोंच मारना चालू कर दिया। जब एक दूसरे को टोंच मारना चालू कर दे, जबकि मैं इसकी चोंच जो है 25वें 26वें दिन इसकी चोंच काट चुका हूँ, उसके बावजूद भी यह एक दूसरे को टोंच मारने लगा है। क्योंकि इसके चोंच में जो किसकिसाहट होती है, जब इसके चोंच में किसकिसाहट होती है तो यह एक दूसरे को टोंच मारना खरोंचना चालू कर देता है। आप देख सकते हैं कि बट काफ़ी अच्छे से तैयार हो रहा है। ये मेल मेल में देख सकते हैं कि कलगी भी काफ़ी अच्छी है। तो जैसे ही इसने चोंच क्रोच मारना चालू कर दिया तो मेरे पास वर्तमान में घर के सामने शीशम का झाड़ लगा हुआ है, मैंने इसको शीशम की पत्ती डाल दी। शीशम की पत्ती डालने का तात्पर्य यह रहता है कि जैसे ही शीशम की पत्ती डाली तो ये एक दूसरे को टोंच मारने की अपेक्षा शीशम की पत्ती को टोंच कर क्रोचने लगता है। आप देख सकते हैं कि बहुत सी पत्तियाँ इनमें में गायब हो चुकी हैं, और यह एक टोंच टोंच के, मतलब इसको टोंचने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। जैसा कि बच्चा छोटा रहता है तो हम उसको प्लास्टिक की चाबी आबी दे देते हैं ताकि वो दांत में ऐसा किसकिसाता रहे, इस प्रकार इनको भी ये कुछ किस जो चोंच रहती किसकिसाहट होती इसमें किसी प्रकार की पत्ती डाल दें तो यह उसको खाते टोंचते रहेगा और यह एक दूसरे को टोंचेगा खरोंचेगे नहीं। आप चाहें तो मेथी की पत्ती डाल, मेथी की भाजी डाल सकते हैं, पालक की भाजी डाल सकते हैं, मुनगा की पत्ती डाल सकते हैं। मुनगा की पत्ती भी नहीं हो तो आप जो बरसीम रहती, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते बरसीम रहती है, वो भी डाल सकते हैं। इस प्रकार इनमें जो कैनिबलिज्म की समस्या है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। आज यह 21वां दिन देख सकते हैं कि बर्ड काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर ले रहा है, क्योंकि वर्तमान में गर्मी का समय है इसीलिए थोड़ा सा ग्रोथ रेट कम है। और हम इसको अब मल्टी विटामिन दे रहे हैं। एक बच्चा स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिसको टोंच मार दी थी सुबह के समय, तो हमने इसको हीमैक्स क्रीम लगा थी। स्क्रीन पर जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसको टोंच मार दी थी तो हम इसको हीमैक्स क्रीम लगा रहा हूँ। और हम अभी मार्केट गए हुए थे, जैसे ही हम मार्केट गए थे और हम वहाँ से ऑस्टोवेट प्लस विमरॉल लेके आए। स्क्रीन पर जूम करके दिखा रहा हूँ, ऑस्टोवेट प्लस विमरॉल। ऑस्टोवेट यह 1 लीटर का, इसमें कौन कौन से विटामिन और घटक मौजूद है स्क्रीन पर आपको लाइव दिखाता हूँ। इसमें देख सकते हैं कि विटामिन D1, विटामिन B2, कार्बोहाइड्रेट्स, फास्फोरस और कैल्शियम। कैल्शियम की इसमें क्या है, भरपूर मात्रा है। और दूसरा है विमरॉल। विमरॉल में देख सकते हैं, विमरॉल में स्क्रीन पर आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, विमरॉल में देख सकते हैं विटामिन ए, विटामिन D1, विटामिन ई और विटामिन B12 और विटामिन ए, इसमें भरपूर मात्रा है। 1 लीटर ऑस्टोवेट में हम 60 ml विमरॉल को मिला देते हैं और उसको हमेशा 3 दिन चलाएंगे, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। कभी भी हो सप्ताह में आप 3 बार चला सकते हैं ऑस्टोवेट प्लस विमरॉल। यदि 0.5 लीटर का है तो 30 ml मिलाना है, 1 लीटर का है तो उसमें 60 ml मिलाना है। इस प्रकार से इसका मिलाना और कितना कितना देना है। यदि यह जैसे 200-250 ग्राम का है तो 1 लीटर पानी में 15 ml एक दिन में चलाना है। एक जैसे 3 बर्तन है तो 10-10 या 15-15 ml करके ये चलाना है, जिससे कि इसमें कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स की भरपूर इसमें मात्रा रहती है। और जैसे ही बर्ड इसको पिएगा तो उसमें कैल्शियम, मिनरल्स की जो मात्रा रहती है वह पर्याप्त हो जाएगी और यह एक दूसरे को जो टोंचना खरोंचना है वह बंद कर देगा। यदि आपको किसी बर्ड को टोंचा खरोंच दिया है तो आप कौन सी क्रीम लगाना है, तो स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह हीमैक्स क्रीम है। यह 75 रुपये की मार्केट में आती है। यह कीटाणुनाशक क्रीम है और यह बहुत दुर्गंधित रहती है। किसी भी, जैसे मुर्गे या मुर्गी को, किसी को भी यदि बट टोंच मार देता है तो यह उसके पीछे लगा देना है। इसकी स्मेल इतनी ज़ोरदार रहती है कि जैसे ही इसको लगाते हैं तो दूसरा पक्षी इसको टोंच मारता है तो उसकी स्मेल से वह दूर भाग जाता है। हीमैक्स क्रीम बहुत काम की है। यह पशुओं के लिए भी उपयोगी है, पशु को भी लगा सकते हैं। कौआ उसमें टोंच नहीं मारता, आप यदि लगा देंगे उसको किसी प्रकार का घाव है तो कौआ उसको टोंच नहीं मारेगा, या गिद्ध भी उसको टोंच नहीं मारेगा यदि आप यह क्रीम लगा देंगे, क्योंकि यह दुर्गंधित क्रीम है। और हमने इसमें शीशम की पत्ती भी लटका दी थी ताकि इसको टोंचने खरोंचने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। अब इसको रोज़ कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, मेथी है या किसी प्रकार की कोई भी पत्ती डालना पड़ेगी ताकि यह टोंचता खरोंचता रहे और इसका ध्यान एक जगह भटक, मतलब ध्यान दूसरी जगह रहे। और यह अपने साथ वालों को टोंचे खरोंचना, सुबह के समय आया था तो एक बट ने दूसरे बट को खरोंच दिया था, इसलिए उसी को हम कैनिबलिज्म कहते हैं। और उसके निदान के लिए
यह आज 275 रुपए का यह सामान और 75 रुपए का यह सामान, यह तीनों चीज़ें मैं लेके आया हूँ। इससे कैनिबलिज्म की जो समस्या है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। हम इसको 3 दिन लगभग ऑस्टोबेट प्लस विमरॉल चलाएंगे, जिससे कि मिनरल्स विटामिन की मात्रा इसमें भरपूर हो जाएगी और जो टोचना खरोचना है यह बंद हो जाएगा। इसी को हम कैनिबलिज्म कहते हैं। सिर पे 2 वर्ड में चालू हुआ था और हमने इसमें उपाय करने चालू कर दिए हैं, ताकि यदि यह अधिक फैल जाता है तो उसमें यह रहता है कि ज़्यादा बट को यदि टोचना खरोचना चालू कर देता है तो उसमें बट की फिर मृत्यु होना चालू कर देती है, क्योंकि जिस बट में लाल रंग के पत्ती ज़्यादा आकर्षक रहता है, जैसे ही बट जिन बटों को खून निकलना चालू हो जाएगा तो यह एक दूसरे जितने भी बट हैं उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और उस बट की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है जब तक उसको टोचने खरोचते रहेंगे। इसीलिए हमेशा याद रहे, 1 या 2 बट को चालू हो उसी समय से आपको ऑस्टोबेट प्लस बमरॉल देना चालू कर देना है, जिससे कि कैनिबलिज्म की समस्या समाप्त हो जाए। अब जैसे ही बट बड़ा होता जा रहा है उसकी देख रेख भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ समस्या आती रहती, इसलिए अपने फार्म के अंदर आके बैठ के हमेशा देखें इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगती है तो आर के बीडर्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।